हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। मेरे सामने खड़ी हैं दो गाड़ियां जो कि है परफॉर्मेंस बीस्ट। एक है आपकी केटीएम की 390 आरसी जो कि भाई आपकी 42 बीएचपी की पावर जनरेट करती है, और बगल में आपकी खड़ी है भाई रॉयल इनफील्ड की सबसे पावरफुल गाड़ी, सबसे तेज गाड़ी आपकी और सबसे कॉस्टली गाड़ी। ये है आपकी जीटी और वो भी मिस्टर क्लीन। तो ये सबसे महंगी, इससे महंगा कुछ नहीं है रॉयल इनफील्ड वालों के पास इस समय। तो भाई ये जो गाड़ी है ये आपकी जनरेट करती है 47 बीएचपी की पावर, 52 एनएम का टॉर्क। तो भाई बहुत ही टॉकी इंजन है। और इन दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इंटरसेप्टर को कंपेयर किया था, बट इंटरसेप्टर का जो पोस्चर है वो बिल्कुल भी तेज भगाने के लिए नहीं बना हुआ है। उसमें बहुत सारे एक्सेसरीज भी थी तो वेट भी काफ़ी ज़्यादा था उसका, तो वो इंटरसेप्टर हार गई थी। लेकिन यहाँ पे कैफे रेसर बाइक मेरे सामने खड़ी है जो भगाने के लिए ही बनी हुई है, और इन दोनों को हम करने वाले हैं कंपेयर। साथ में है मिस्टर यूपी 46 राइडर जो कि चलाने वाले हैं आरसी। तो पहले वो आरसी चलाएंगे और मैं चलाऊँगा आपका कॉन्टिनेंटल जीटी। भाई पहली बार मैं चलाने वाला हूँ कॉन्टिनेंटल जीटी, और थोड़ी सी गाड़ी अपनी आप दूर कर लीजिए। कॉन्टिनेंटल जीटी तो क्या भाग रही है। ओ भाई गॉड, फैन हो गया मैं। देखना है और जीटी है पीछे, क्या जीटी जीत कर पाती आरसी को कि नहीं। तो चलते हैं देखते हैं आपको, अभी तो जीटी पीछे ही है। फैन हो गया। ओ भाई साहब क्या भाग रही है कॉन्टिनेंटल जीटी। ओ ओहो भाई, और ये आ गया मैं छठे गियर में। भाई ओहो क्या विंड प्रेशर आ रहा है। अब मुझे लगता है कि जीटी निकल जाएगी आगे। देखते हैं जीटी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। आप जीटी से बने रहिए और बने से खींचा। ओ भाई साहब, और ये देखिए, ये मैंने आरसी को किया पीछे, ये मैंने आरसी को किया पीछे। ओहो, और ये मैंने आरसी को किया पीछे। 180, और भाई आरसी वाले गायब, आरसी वाले हो गए हैं गायब। ओहो व्हाट अ फील भाई, मजा आ गई भाई। अभी तक मैं चलाता था इंटरसेप्टर, और नो डाउट यार लॉन्ग राइड के लिए, भाई मैं हूँ थोड़ा ट्रैवलर टाइप का बंदा, मुझे लॉन्ग राइड बहुत पसंद है। और लॉन्ग राइड मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इंटरसेप्टर लिए, क्योंकि ये भाई बहुत लंबा नहीं चला सकते। बहुत तेज निकले हैं भाई, क्या इनिशियल में भी जानते, बहुत पीछे नहीं था मैं। हाँ। लेकिन भाई टॉप एंड भाई, मतलब भाई मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। लेकिन उसका ये देखो, इसका गियर सिस्टम अलग है इंटरसेप्टर से। हाँ।
अब हम राइडर करेंगे चेंज, भाई तुम्हारा चलाएगा जीटी। अब राइडर हो चुके चेंज और मैं चलाने वाला हूँ इंटरसेप्टर। बहुत ज्यादा लीन हो जाना, बहुत लीन होना, बहुत तेज विंड प्रेशर आते, खोपड़ी घूम जाती है। ऐसे ऐसे जा रहा था मैं, अगर हचके आ रहे थे तो। चलाते हैं, जैसा मैंने बताया भाई हल्की गाड़ी है। ओहो, इनिशियल में तो ये आगे निकली थी, लेकिन ओ भाई साहब, लेकिन भाई क्या टॉप एंड है यार, जीटी जीटी का टॉप एंड। ओ ये लो, ये लो, ये लो भाई, ये है रॉयल एनफील्ड की जीटी की पार, और ये लो भाई 160 सब पहुँच गई, पता ही नहीं चल रहा है भाई, हेलमेट मेरा उड़ रहा है। 170 देखो भाई, निकली जा रही है, निकली जा रही है। खत्म हो गया रेस करते करते, रेस करते करते एक्सप्रेसवे ही खत्म हो गया। लेकिन भाई मार्वलस भाई, जो फील आया ना जीटी चला के भाई, इंटरसेप्टर चला के कभी नहीं आया भाई, जो फील दिया जीटी ने यार, जो उसका पोस्चर है उसकी वजह से, मतलब मैं फील कर सकता हूँ कि अगर इंटरसेप्टर का पोस्चर वैसा होता तो क्या भागती। सेम इंजन, रेड्यूस्ड वेट, और भाई ये जो पोस्चर है भाई, मतलब एकदम फाड़ू बाइक है यार। बताओ यार, KTM RC को हरा दी तो पॉकेट रॉकेट बोलते हैं, काहे का पॉकेट रॉकेट। कितना बताओ, कहे का पॉकेट रॉकेट है ये? ये है पॉकेट रॉकेट। और सबसे बड़ी 185 पे स्टेबिलिटी देखो भाई, पोस्चर इसका बहुत अच्छा है ना, पेट्रोल टैंक भी वैसा बनाया गया आगे से, और पोस्चर भी वैसा ही है। तो ये आप, ये थी आपकी ड्रैग रेस, और भाई विनर रही है दोनों ही मामलों में आपकी जीटी। भाई कमाल कर दिया जीटी ने दोनों मामलों में, क्या दमदार परफॉर्मेंस दी है। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड करता हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो रुको क्यों हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के भी क्लिक कर दो, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती जाए जैसे जैसे मैं वीडियो डालता रहूँ। इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड करता हूँ। दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।